अमृतसर के अकाली लीडर मुखजीत मुखा के एनकाउंटर मामले च सब इंस्पैक्टर ते एएसआई समेत 8 पुलिस वाले खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच लई बनी एसआईटी की रिपोर्ट तो बाद यह मामला दर्ज किया गया है। पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट वालों 4 जुलाई नूं हुक्म दिता गया सी कि एसआईटी दी एक हफ्ते अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर नूं होनी है। मुखा नूं अमृतसर पुलिस ने जून 2015 च एक एनकाउंटर दौरान मारिया सी। दावा किया गया सी कि गैंगस्टर दे भुलेखे च इस एनकाउंटर नूं अंजाम दिता गया है। पुलिस ने सब इंस्पैक्टर रमेश कुमार ते एएसआई जोगिंदर सिंह समेत अठ पुलिस मुलाजमान खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि मामले अजे किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उक्त पुलिस वाले खिलाफ केस दर्ज किए जाने तो बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ की उम्मीद जरूर जागी है। एक सिट इस केस के बनी सी जो पिछले साल एक डैथ हुई थी मुखजीत मुखा जो एक एनकाउंटर टाइप कांड होया सीगा। IGP साहब वालों एक इनकुआरी होने तो बाद सानू मसूल हुई है जिदे आधार पर असी रामबाग थाने के पर्चा दर्ज किया। तफ्तीश मोकमपुरा थाने वालों की जा रही है। ये पार्टी के दौरान जोड़े 8 मुलाजम से जिन्हें च रमेश कुमार जोगिंदर सिंह SI रमेश कुमार सब इंस्पैक्टर बाकी 6 होर मुलाजम है उन्होंने 8 के उत्ते 304 के तहत पर्चा दर्ज किया। तफ्तीश जी है मुढ़ली तफ्तीश की डिटेल इनकुआरी करने तो बाद पर्चा होया जो IG लेवल के अफसर ने इनकुआरी की है इन्हों का भी पक्ष सुनिया गया जो हालात सामने तफ्तीश दौरान कर लेंगे। जो सरकारी मुलाजम से जो परचा होंगे उसके प्रोसीक्यूशन सेंक्शन की जो कार्रवाई होंगी उस तो बाद जो कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टुडे।